हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8th के नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 हमारा लास्ट लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट का। उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है? जो रैशनल नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा। इसके बाद में मैं आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस की सीरीज लेके आऊंगा। उसके अंदर क्या होगा आप लोगों के लिए, बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो वो वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे इस लेक्चर को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, कुछ 3-4 क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है और फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और साथ में ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हमारे को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहले कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए उसको सोल्व कैसे किया जाएगा उसको समझ लो। वो अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया तो आप लोग कोई से भी क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। भाई इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखे। एक तो वो आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। क्योंकि वो याद नहीं होंगे तो आप यही नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करना। अगर क्वेश्चन को आप केयरफुली रीडिंग नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ एक्चुअल में फाइंड करनी है। एक बार केयरफुली रीडिंग कर लो, दो बार रीडिंग कर लो, अगर एक बार में समझ में नहीं आता उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उनको अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन को में जो जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर लो, क्या फाइंड करना है उसको भी नोट कर लो। फिर क्या करो, जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये चीज़ आप वहाँ पे क्या करो, अप्लाई करने की कोशिश करो। जैसे मैं अभी यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस में आप लोगों को करके बताऊंगा। तो सबसे पहला काम जो हमारा है, जैसे मेरे को सारे कॉन्सेप्ट पता है तो वो आप लोगों को सबसे पहले याद, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन की रीडिंग करनी है तो हम सबसे पहले काम करते हैं इस थर्ड वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर पहले और दूसरे को करके देखेंगे। तो क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, एक रेक्टेंगुलर पार्ट दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है। इसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, रेक्टेंगुलर पार्ट विच इज 36 and 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 and 2/3 मीटर ब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ गिवन है। जैसे इसको अगर लेंथ माने तो इसकी लेंथ कितनी है, 36 and 3/5 मीटर। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ब्रिथ कितनी है इसकी, जिसको बोर्ड बोला उसने, ये है 16 and 2/3 मीटर, ठीक है, ये इसकी ब्रिथ है। अब एरिया में फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में रेक्टेंगल का हमें एरिया पता होना चाहिए। अगर एरिया पता है तो फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में रैशनल नंबर को कैसे इसमें यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, लेंथ बराबर कितनी है, मैं लिख देता हूं अलग से, आप पूरा लिख लेना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिस और ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज दिस, तो 3/5 मीटर और ब्रिथ कितनी हो जाएगी इसकी, दे रखी है 16 and 2/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे को फाइंड करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें 6th, 7th, 5th क्लास में पढ़ा दी गई होगी, 6th, 7th और 5th क्लास में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इसका एरिया हो गया। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क,
तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कैसे निकालें? तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 36 एंड 2/5, तो ये तो लेंथ है, और 36 एंड 2/3 ये ब्रिथ है। अब ध्यान से देखो, एरिया की यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यहाँ भी मीटर आता है, यहाँ भी मीटर आता, तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। और एरिया की वैसे भी यूनिट, अगर दोनों डायमेंशन अगर मीटर में गिवन है तो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अगर दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गिवन होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में होता तो पहले दोनों को सेम में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद में हम आगे क्या करते, रिजल्ट को लिखते। तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो देखो ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फॉर्म से क्या करो, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 180 में 2 ऐड करेंगे तो 182 डिवाइड बाई 5। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर ऐसे कैसे चलेगा, 16 3 जा 48 प्लस 2 कितना हुआ, 50 डिवाइड बाई 3। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में क्या करें, देखो ये 10 टाइम यहाँ से डिवाइड हो गया, एक बार देख लेते हैं, ये हमने सही तो मल्टीप्लाई किया ना, 5 6 जा 30 का 0 आएगा, केडी कितना आएगा, 3 आएगा, 5 3 जा 15 और 3 18 प्लस 2 करेंगे तो सही है, हमने बिल्कुल सही किया है। सॉरी यहाँ ऊपर गलती कर दी हमने, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, सॉरी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, क्या ये 3 से ये डिवाइड हो रहा है, तो आप देखोगे तो देखो ये डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 3 6 जा, मैं इसको मिटा देता हूँ, 3 6 जा 18 और फिर 1 3 बचा तो 3 1 जा 3, तो ऊपर तो क्या आ गया, 61 और 10 मल्टीप्लाई में, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 1 बचा है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, 61 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 610 और रिजल्ट किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, आंसर है, वो कितना निकल के आया, 610 मीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो कि एक्चुअल में रेशनल नंबर का कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, ये वाली सारी चीज़ें हमें लिखनी थी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को छोटी क्लासों में जो भी आपने पढ़ा है वो यूज याद रखना था। साथ में अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे केवल जो अप्लाई हुआ है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक लेक्चर पूरा बनाया है इसके लिए, तो आप उसको जाके देख सकते हो, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है मल्टीप्लीकेशन को समझने में, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इस लेक्चर को देख के इस वाली चीज़ों, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद में वो निकल के आ गया, तो इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकल के आ गया, वो कितना है, 610 मीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इन दोनों एग्जांपल्स को करते हैं, उसके बाद में कुछ और एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो पहले मैं इसको करवा देता हूं, जिससे कि ये क्या होगा, विजिबल हो जाएगा आपको अच्छे से। क्या बोला है, ओन वन डे ए रिक्शो ड्राइवर अर्नड 160, मतलब कोई रिक्शो ड्राइवर है, कोई जो अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, उसने क्या किया, किसी दिन जितना पैसा अर्न किया, अर्न करने का मतलब है उसकी जो उस दिन अर्निंग हुई है, उसने कितना कमाया, वो कितना है, 160 रुपये। हाँ थोड़ा कम भले ही आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन उसने एक्चुअल में कितना कमाया है, तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ हिज अर्निंग, उसकी जो टोटल अर्निंग है 160, उसके अंदर से ही स्पेंट रुपीज, वे रुपीज का सिंबल होगा आप लोगों को पता होगा, जैसे पहले हमारे रुपी का कोई सिंबल नहीं होता था, हम क्या करते थे, RS लिखा जाता था हर जगह पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जैसे कि डॉलर और यूरो वगैरह का सिंबल होता है, वैसे हमारे रुपी का भी सिंबल बन गया। वो कितना है, 26 and 3/5, ये तो किस पे खर्च करता है, वो टी और स्नैक्स, स्नैक्स मतलब जैसे कि कोई समोसा खा लिया, कोई कचौड़ी खा ली, या फिर कुछ क्या बोलते हैं नमकीन वगैरह खा लिया, उसके ऊपर उसने और चाय के ऊपर इतना रुपए खर्च कर दिए। और क्या है, रुपीज 50 and half, मतलब 50 and 1/2, यानी कि 50.5 रुपये किस पे खर्च कर दिए उसने, खाने पे खर्च कर दिए। साथ में क्या किया, अब जो ऑटो चला रहा है तो ऑटो में क्या होगा भाई, जब डेली ऑटो चलेगा तो उसकी रिपेयरिंग पे भी कुछ खर्चा आता है, तो क्या बोला है, 16 and 2/5, इतना रुपए ऑन रिपेयर ऑफ द रिक्शो, रिक्शो की रिपेयरिंग पे खर्च करके। उसके बाद में भी उसके पास कुछ पैसा बच जाएगा, हो सकता है नहीं बचे, जितना भी बचेगा वो हम देखते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन में यही फाइंड करना है, हाउ मच मनी डिड ही सेव ऑन दैट डे, मतलब जितना भी पैसा बच गया वो उसके एक्चुअल में क्या है, सेविंग है। अब सेविंग कैसे निकाली जाएगी,
भाई टोटल अर्निंग निकालो, टोटल खर्चा निकाल लो, टोटल अर्निंग में से टोटल खर्चे को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, हमारा सेविंग निकल के आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 50 रुपये की अर्निंग की, 40 रुपये खर्च कर दिए, जैसे कोई पेन पेंसिल लेके आ गए या कोई कॉपी लेके आ गए या टॉफ़ी खा ली आप लोगों ने या फिर कुरकुरे वगैरह कुछ भी खा लिए, 40 रुपये आपके खर्च हो गए, तो आपके पास कितने बचे, 10 रुपये बचे, तो 10 रुपये आपकी क्या है, सेविंग है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, उसके बाद में सारी चीज़ों को एक बार लिख लेते हैं, फिर जो फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, टोटल अर्निंग कितनी है वो लिख लेते हैं, टोटल अर्निंग कितनी है उसकी, 160 रुपये, ठीक है। फिर है अलग अलग चीज़ों पे उसने खर्च कितना किया वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स, टी और स्नैक्स पे कितना खर्च किया उसने, 26 and 3/5। ऐसे ही स्पेंड ऑन फूड, फूड के ऊपर कितना खर्च किया उसने, 50 रुपये और आधा पैसा, मतलब ये समझ लो कि 50.5 रुपये उसने खर्च कर दिए। स्पेंड ऑन रिपेयरिंग, स्पेंड ऑन रिपेयर्स, रिपेयरिंग बोल देता हूँ मैं, उस पर कितना खर्च किया उसने, 16 and 2/5 रुपीज। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही हो कि जो जो चीज़ें उसने बोला था वो लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सेविंग पता करनी है, जो भी हम क्वेश्चन मार्क डाल के लिख लेते हैं भाई, टोटल सेविंग तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले टोटल खर्चा तो निकाल ले। टोटल अर्निंग हमें पता है, टोटल खर्चा अगर हम निकाल लेंगे तो टोटल अर्निंग में से टोटल खर्चे को क्या करेंगे, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, टोटल सेविंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जितना भी उसने खर्च किया उनका सम कर दो, कितना होगा, 26 and 3/5 plus 50 and 1/2 plus 16 and 3/5, और इसकी वैल्यू किस में निकल के आएगी, रुपए में निकल के आएगी। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार पहले, फिर हम आगे इधर देखते, फिर आप इनको नोट कर लेना, उसके बाद मैं मिटा दूंगा, फिर इसको हम सोल्व करके देखेंगे। तो देखो तो यहाँ क्या है, सबसे पहले तो ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, इनको क्या करो, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 26 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 20 को 5 से करोगे 100 आएगा, 6 को 5 से करोगे तो 30 आएगा, 100 और 30 कितना होगा, 130 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 133/5 plus 2 को 550 से मल्टीप्लाई करोगे 100 को 1 से ऐड करोगे तो 101/2, इसको इससे 80 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 2 ऐड करोगे तो 82/5। अब इनका हमें क्या निकालना है, सबका एलसीएम लेके सम निकाल देते हैं हम सबका, तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 266 आएगा प्लस, फिर इसमें इसका डिवाइड करोगे 5 टाइम होगा, 5 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 505। उसके बाद में क्या करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को 82 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग धीरे धीरे आराम से कर सकते हो। अब इन सबको ऊपर ऐड करते हैं हम लोग, तो देखो 200 और 500 कितना हो गया, 700 प्लस 100 कितना हो गया, 800, फिर 60 और 60 कितना हो गया, तो हमारे पास 800 आ ही गया था, साथ में 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और साथ में फिर 6 और 5 11 और 4 15। आई होप ये चीज़ मैंने जो जल्दी जल्दी किया वो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि पहले मैंने 100 वालों को ऐड कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे टेंस नंबर पे था उनको ऐड कर लिया, भाई यहाँ पे कितना है, 60 है, 6 मतलब 60, 0 तो 0 ही रहेगा, 6 का मतलब 60, तो वो 60 और 60 120 हो गया, और यहाँ पे 6 और 5 11 और 4 15 हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर लो तो कितना होगा, तो देखो 800 और 1 900 920 और 935, यानी कि 935 हमारे पास आया ऊपर, और नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, और ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, देखो 4 मतलब 1 टाइम हुआ, 9 4 बचा, 43 हो गया। अब 43 कितने टाइम होगा, 8 टाइम 40, फिर 3 बचा, फिर कितना आया, 7,
ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इसको इससे भी डिवाइड कर दो, तो ये देखो 9 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 1 बचा, तो 1 में तो होता नहीं, तो डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाने के बाद में क्या होगा, 0 लग जाएगा, तो 1 0 के अंदर कितना होगा, 5 टाइम डिवाइड होगा। ये मैंने जल्दी जल्दी किया, प्रॉपर तरीके से करके देख लेना। मतलब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ गया है, 93.5 निकल के आ गया है। अब हमें तो टोटल एक्सपेंडिचर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या निकालनी है, टोटल सेविंग पता करनी है। तो जो टोटल सेविंग होगी, मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, जो टोटल सेविंग होगी वो कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग कितनी थी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा था, तो अर्निंग कितनी थी 160, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एक्सपेंडिचर, वो कितना है 93.5। तो इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 5, भाई यहाँ से यहाँ बोरो करा, फिर यहाँ से यहाँ बोरो किया, 10/5 हो गया, फिर यहाँ पे 9-3 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 15 बच गया, 15-9 करेंगे तो 6 आएगा। मतलब जितना उसकी सेविंग है वो एक्चुअल में कितनी होगी, 66.5 रुपीज़ क्या है उसकी सेविंग है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटाता हूँ उसके बाद में, हम ये क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, उसको सोल्व करते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग 2-3 अच्छे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, इसी के साथ फिर हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना, उसके बाद में उसको जो भी चीज़ें अब आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए कि हमें एक्चुअल में करना है क्या, क्वेश्चन की केयरफुली रीडिंग करनी है, उसके बाद में क्या करना है, जो जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लेना, फिर जो फाइंड करना है उसको लिख लेना है, फिर फाइंड कैसे किया जाएगा उसके ऊपर फोकस करना है कि भाई उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही है उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, और उसके बाद में अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट निकलना के आ जाएगा, बस आप लोगों को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, सबसे पहला काम है क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते। क्या बोला, फ्रॉम ए रोप ऑफ 11 मीटर, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँ, विजुअलाइज करूँ, जैसे कोई 11 मीटर की रोप गिवन है, रोप यानी रस्सी है हमारे पास एक, ठीक है, 11 मीटर इसकी लेंथ है, लॉन्ग 2 पीसेज ऑफ लेंथ 2 and 3/5 meter एंड 3 and 3/10 meter आर कट ऑफ। अब इससे क्या किया जाता है, 2 पीस काट लिए जाते हैं, जैसे एक पीस ये काट लिया जिसकी लेंथ कितनी है 2 and 3/5 meter, और एक पीस और फिर उसने यहां से काट लिया, मान लो ठीक है, यहां से एक पीस और काट लिया, वो कितना है 3 and 3/10 meter आर कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग। तो हमें ये बताना है कि भाई ये जो रिमेनिंग रोप है, यानी कि बाकी की जो रोप हमारी बच गई है वो कितनी लेंथ की होगी, ये हमारे को फाइंड करना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम पहले तो गिवन फॉर चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। तो टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल 11 मीटर, फर्स्ट पार्ट कट, फर्स्ट पीस कट कितने का है, वो 2 and 3/5 meter का है, सेकेंड पीस कट वो कितना है 3 and 3/10 meter का है। अब देखो हमने 2 हिस्से काटे हैं, तो हमें ये टोटल हिस्सा वो है जो हमने काट लिया उससे रोप से, ठीक है, रस्सी से रोप से क्या किया, ये पूरा हिस्सा काट लिया, तो हम टोटल लेंथ कट कितना कर दिया हमने वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा, इन दोनों का जो सम आएगा, भाई ये और ये इतना ही तो हमने काटा है, तो इन दोनों का एडिशन होगा, वो क्या होगा, टोटल लेंथ कट है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा टोटल लेंथ कट, या कट लेंथ बोल सकते हो, तो वो कितना होगा इन दोनों का सम, तो 2 and 3/5 + 3 and 3/10, और रिजल्ट मीटर में निकल के आएगा। एलसीएम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 2 10 + 3 13/5, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 13/5 + फिर ये 10 3 + 30 + 3 33/10, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10 आ गया, फिर 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आएगा, इस 10 को इस 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 टाइम होगा, 1 को 33 से मल्टीप्लाई किया 33 आ गया, ऊपर सम करो 9 और 3 और 2
5 डिवाइड बाय 10, यानी कि हमारा जो वो आया है, रिजल्ट आया है, वो कितना आया, 59 अपॉन 10 आ गया। मैं इसको अभी मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये हमारा कट लेंथ आया, मतलब अभी रिजल्ट नहीं निकला, फाइनल रिजल्ट नहीं निकला कि भाई टोटल कितनी लेंथ हमने कट कर ली। तो टोटल रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, टोटल रिमेनिंग रिमेनिंग लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे टोटल लेंथ कट लेंथ या लेंथ कट, जो लेंथ हमने काटी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेगा टोटल में से, इस पूरे में से इतने को हटा दें तो बाकी की बची हुई रिमेनिंग रोप की लेंथ हमें पता मिल जाएगी। टोटल लेंथ कितनी थी, 11 मीटर, माइनस ये कितना आया, 59 डिवाइड बाय 10। एक बार और करके देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर आगे का रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 2 10, 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 10 3 30 प्लस 3 33 डिवाइड बाई 10, ये भी सही है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 5 10 का एलसीएम 10 आएगा, 10 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, प्लस 10 में 10 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 30 और 20 50 और 603 959 अपॉन 10, बिल्कुल सही है ये, हमारे कोई गलत नहीं है। अब आगे हमारे को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा के 1 और 10 का एलसीएम कितना आया, 10 आया। अब इस 1 से इस 10 में डिवाइड करेंगे 10 टाइम होगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 110 आ जाएगा। फिर इस 10 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 को फिर 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 आएगा। ऊपर देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा, 10 में से 10 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा, 1 बचा। और फिर उसके बाद में भाई इसको ऐसे कर लो ना, 41 और ये 51 बचेगा आगे डिवाइड बाय 10। भाई यहाँ से 110 पे पहुँचना है तो 59 में पहले 1 ऐड करो, 60 पे पहुँच जाओगे, फिर 40 ऐड करो तो 100 पे पहुँच जाओगे, फिर 10 ऐड करो तो ये हो जाएगा, मतलब टोटल 51 अपॉन 100। अब इसको भी आगे फाइनल सोल्व करना पड़ेगा, तो देखो इसका इसमें डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 5 टाइम होगा कितना 50, रिमाइंडर कितना 1। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तो 5 जो भी हमारा क्वेसेंट आया ये हमारा क्या कहलाता है, क्वेसेंट कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। तो क्वेसेंट तो क्या होगा, यहाँ लिखना है रिमाइंडर 1 आया और जितना डिवाइड किया था वो कितना आया, ये यानी कि इतनी मीटर लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, रिमेनिंग लेंथ होगी, जो कि हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और क्वेश्चंस हमारे को देखने हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो देखो क्या बोला है, 1 लीटर या 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 63 3/4। वैसे तो अभी पेट्रोल की कॉस्ट काफ़ी हाई है, लेकिन ये पहले का कोई डेटा गिवन है, तो 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, तो हमारे को 34 लीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो ये हमारे को फाइंड करना है। तो अब ध्यान से समझो, पहले बात तो जब कभी भी एक की वैल्यू गिवन है उससे ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा समझो जैसे कि एक पेन है, ये जैसे मार्कर ये 25 रुपये का आया, तो 2 मार्कर कितने के आएंगे, 25 मल्टीप्लाई 2, 3 मार्कर कितने के आएंगे, 25 मल्टीप्लाई 3। तो अभी 1 लीटर की कॉस्ट हमारे को गिवन है, 34 लीटर की कॉस्ट पूछी है, तो 34 लीटर क्या है, 1 लीटर से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 की कॉस्ट है, जैसा अभी हमने क्या किया, 1 की कॉस्ट कितनी थी 25, 2 की कितनी है 25 मल्टीप्लाई 2, 3 की कितनी है 25 मल्टीप्लाई 3। तो हमें जितने की भी कॉस्ट निकालनी है उसको हम क्या कर रहे हैं, 1 की कॉस्ट यानी 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी को भी हमें भी आगे, मतलब इसके लिए भी हमें भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में, कि सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल कितनी है, जितनी भी है, तो इसको मैं देखो कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, देखो 60 को 4 से करोगे 240, 3 को 4 से करोगे 12, 240 और 4 बनेगा 252 डिवाइड बाय प्लस 3 भी करना है 255 डिवाइड बाय 4। तो इतने रुपए कॉस्ट है किसकी, 1 लीटर की। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 34 लीटर्स, तो वो कैसे निकालेंगे, 34 को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर से, मतलब 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
तो 34 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना है, 255 डिवाइड बाय 4। तो देखो अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो करो, ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, 17 टाइम हो गया। अब आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा निकल के आएगा लगता है, ठीक है। तो देखो करते हैं अपन, तो यहाँ क्या आएगा रुपए में निकल के आएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85 का 5 आएगा, 85 का 5 आ गया, कैरी कितना आया 8 आ गया, फिर 17 5 जा 85 प्लस 8 कितना हो गया 93 का 3, फिर कैरी कितना आया 9 आ गया, फिर 17 2 जा 34 में पहले 6 ऐड करेंगे तो 40 हो गया, 40 में 3 ऐड और करेंगे तो 43 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। या तो इतना छोड़ सकते हो या मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं इसका इसमें डिवाइड करो, 2 टाइम फिर 1 टाइम फिर 1 बचा फिर 6 टाइम फिर 1 बचा फिर 15 में 17 टाइम फिर 1 बचा इतना, यानी कि 2167.5 रुपए ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी कितने की, 34 लीटर्स की। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्व करके देख लें। तो क्या बोला है देखो, द कॉस्ट ऑफ 3.5 meters ऑफ क्लॉथ इज रुपीज दिस 160 and 1/4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 3 की कॉस्ट गिवन है और 1 की कॉस्ट पूछी है। जैसे ऐसा समझो कि जैसे 3 चीज़ें हैं वो मिला के 300 रुपये में आती है, तो 1 कितने की आएगी, 100 रुपये की। तो एक्चुअल में क्या किया, 300 के अंदर हमने क्या किया, 3 का डिवाइड किया, तब कितना आया हमारे पास, 100 निकल के आया। तो यहाँ पर भी यही होगा, तो ज़्यादा की कॉस्ट गिवन है और कम की कॉस्ट पूछी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड के नाम से एक टॉपिक, जिसमें हम क्या करते थे, 1 की कॉस्ट निकालते थे, तो उसी तरीके का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ 3.5 meter क्लॉथ, ठीक है, ऑफ क्लॉथ कितनी है, 3.5 को हम अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना मीटर होगा, 2 3 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7/2 meter। यानी 7/2 meter की कॉस्ट कितनी है, इतने रुपए। अब हमें तो 1 की कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 meter क्लॉथ, 1 meter ऑफ क्लॉथ। अभी मीटर क्या है ये चीज़ आप समझ सकते हो, जब भी हम क्या करते हैं कपड़ा लेके आते हैं तो उसको मीटर में मेजर किया जाता है, उसके पास एक स्केल होती है, उसे मीटर में मेजर करके वो देता है। तो उसके हिसाब से उसने 3.5 meter अगर कपड़ा खरीदा था, उसके इतना खर्चा आया था, तो वो 1 meter की कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहा है मैथमेटिक्स को यूज करके। तो क्या होगा, अब देखो ज़्यादा की कॉस्ट गिवन थी, कम की निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब इस 166/2 इसको डिवाइड करना है किससे, 7/2 से। मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 7/2 लिख रहा हूँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका बाकी का रिमेनिंग सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। तो देखो पहले तो इसको कन्वर्ट करो, ये रुपए में निकल के आएगा, ध्यान रखना कॉस्ट, इसको कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कैसे करें, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको इससे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं, इधर कहीं पे 166 × 4, 4 6 = 24, बोरो कैरी कितना आया, 2 आया, 4 6 = 24 प्लस 2 26, कैरी कितना आया 2, और 4 1 = 4 और 2 6 आ गया, तो 6 6, और फिर इसमें 1 भी प्लस करना है न्यूमिनेटर वाला, तो ये कितना हो गया 6 6 5, और नीचे कितना चल रहा है 4। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाकी का पार्ट, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कितना होगा 6 6 5/4, डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो जो भी डिवाइड हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया। अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ ये 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 1 = 7, 7 9 = 63, बचा कितना 3, और फिर 35 हो गया, और 7 5 = 35। तब ऊपर तो कितना बचा 92, और नीचे कितना बचा, ऊपर तो 95 और नीचे कितना बचा 92। तो अब इसको फाइनल रिजल्ट को किस में लिखना पड़ेगा, मिक्स्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मिक्स्ड में गिवन था। तो कन्वर्ट करो, 4 times divided by 9, फिर 1 बचा, फिर 1 के आगे 5 नोट किया तो 15 हो गया, 15 7 times divided by 47 हो गया, फिर 1 बच गया, फिर 1/2, यानी कि 1 meter की जो कॉस्ट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 47.5
रुपीज। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान से नोट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस से देखिए, उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग दो एग्जांपल्स को और देखते हैं, इसी के साथ फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। अब हम हमारे फाइनल दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप बार बार देखोगे। और जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में उनको बना बना के सोल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है कि इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7/44। अब इसका क्या लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, तो उसको देखो क्या बोला कि एक नंबर है, उस नंबर का कितना 3/5 ऑफ ए नंबर। तो पहले बात तो नंबर नहीं पता हमें, तो मान लेते हैं पहले एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में उस नंबर कितना है वही तो हमें फाइंड करना है। लेट द नंबर बी, मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब उसने क्या बोला है कि उस नंबर का 3/5 ऑफ ए नंबर ऑफ दिस नंबर, तो इसका क्या मतलब है, यानी 3/5 ऑफ एक्स वो कितना होगा। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक्स, यानी कि 3x डिवाइड बाई 5/3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वन लगा के, 3x/5 आ गया। अब उसने क्या बोला है कि इस नंबर का 3/5 क्या है, उस नंबर के 2/7 से कितना ज़्यादा है, 44 है। तो पहले तो 2/7 ऑफ x कितना आएगा, 2/7 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 2x/7। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से समझना, मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक नंबर है, उस नंबर का 3/5 करेंगे, ठीक है, मतलब 3/5 ऑफ दिस नंबर, वो क्या है 44 ज़्यादा है। एग्जिट करने का मतलब होता है ज़्यादा है, ठीक है, किससे, उस नंबर के 2/7 से। अब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे जो 10 है, ठीक है, 10 क्या है, उसके आधे यानी 5 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा। मतलब ये जो नंबर है वो x, मतलब ये जो 3x/5 था वो क्या है, उसके 2x/7 से भी कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा। कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे देखो मिक्स करके, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7, इट्स यानी इसका, किसका 2/7, एक्स का, जो भी हमने नंबर माना है उसके 2/7 से भी कितना ज़्यादा है, 44 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं कि उस नंबर का 3/5 ऑफ दिस नंबर यानी 3x/5 वो बराबर है किसके, उस नंबर के 2/7 से भी कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। मतलब ये नंबर इस नंबर इसके 2/7 से कितना एग्जिट कर रहा है, 44 एक्सिट कर रहा है, तो एग्जिट कर रहा है। इसको कैसे प्रोनंसिएशन करते हैं आप लोग देख लेना, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हमें आगे इसको सोल्व करना है, तो देखो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो 2x/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, अभी इधर प्लस का है तो उधर जाके, जिसके आगे कुछ साइन नहीं है वो प्लस का होता है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x/5 माइनस 2x/7 बराबर 44, दोनों का एलसीएम लोगे 35 आएगा। इसको 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम होगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5, 5 टू जा 10x बराबर 44। तो देखो ऊपर कितना बन गया 11x, ये जो 35 इधर डिवाइड में इधर आके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। अब ध्यान रखना आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कोशिश करो बचो मल्टीप्लाई करने से, वरना टाइम वेस्ट होगा। अब होगा क्या, 11 इधर मल्टीप्लाई में है तो 11 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब जैसे 11 डिवाइड में लाओगे तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते तो फिर से वापस डिवाइड करना पड़ता है, जिससे टाइम ज़्यादा लगता। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140, यानी कि एक्चुअल में जो नंबर कितना था 140 था, जिसका अगर 3/5 करोगे तो वो उसके 2/7 से भी कितना आएगा, 44 ज़्यादा निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं,
तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके 5/8 क्या है, बॉयज है, एंड देयर आर 240 गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है 240 है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो स्कूल में बॉयज कितने वो हमें पता करना है, तो हमें कुछ नहीं पता अभी हमारे इसके बारे में कि कितने बॉयज हैं, बस गर्ल्स पता है कितनी है। तो हम एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि टोटल जो गर्ल्स है वो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या मान लेते हैं, इज इक्वल एक्स है, ठीक है। अब क्या बोला है, बॉयज कितने हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके कितने पर वो है 5/8, ठीक है, तो बॉयज बराबर क्या हो जाएंगे 5/8 ऑफ एक्स, यानी 5x/8। अब मुझे बताओ गर्ल्स कितनी गिवन है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले भाई, टोटल स्टूडेंट इतने हैं उसमें से बॉयज इतने हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी, टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम बॉयज को क्या कर दें, हटा दें, नंबर ऑफ बॉयज यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉयज, तो अगर हम नंबर ऑफ बॉयज को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे को मिल जाएगी क्या, तो वो कितनी निकल के आएगी, x में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, बॉयज कितने थे 5x/8, और ये उसने खुद भी बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 240, यानी कि इसको हम किससे भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ये वाला रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है, और अगर हमारे को x की वैल्यू पता चल जाए तो टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी गर्ल्स आ सकती है, और गर्ल्स हमारे को गिवन ही है। अब इसको आगे सोल्व करना है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, इस 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 टाइम होगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे 8x आएगा, माइनस इसमें 8 में 8 का डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया 5x आया बराबर 240, तो यहाँ पे ऊपर तो हो गया 3x, इधर कितना हो गया 240, और ये 8 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x और इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आप डिवाइड करो, ये 80 टाइम हो गया, 80 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 जा 64, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास निकल के आ गए वो कितना है 640, लेकिन हमें तो बॉयज का पता करना था ना, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 640 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, गर्ल्स कितनी है 240, तो कितना आएगा 004, यानी कि टोटल 400 क्या है उस स्कूल में, नंबर ऑफ बॉयज है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, और साथ में ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम कुछ आप लोगों के लिए अलग से 3-4 लेक्चर्स के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हो। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।